टीवी सीरियल झनक के आगे आने वाले एपिसोड में अनिरुद्ध किस तरह से मंदिर में झनक को लेकर पूजा करने वाला है हम आपको बता ही चुके हैं। अनिरुद्ध किस तरह से मंदिर में झनक के लिए प्रार्थना करने वाला है हम आपको बता ही चुके हैं। और अनिरुद्ध की इस पूजा प्रार्थना से जब झनक को फाइनली असर पड़ेगा, जब झनक फाइनली मौत को मात देकर वापस लौट कर आ जाएगी, तो ये अनिरुद्ध झनक को दोबारा से अपनाने वाला है। ये अनिरुद्ध झनक के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं ढेर सारे हाई वोल्टेज ड्रामे। अनिरुद्ध यहाँ पर झनक के लिए अपने प्यार का इजहार करेगा। झनक को अपनी पत्नी बनाकर वापस बॉस हाउस में लाने का फैसला करेगा। आप देखेंगे शो के आगे आने वाले एपिसोड में ढेर सारे हाई वोल्टेज ड्रामे जहां पर अनिरुद्ध झनक को अपनी पत्नी बनाने का फैसला करेगा। और इसके बाद आप देखेंगे ढेर सारे हाई वोल्टेज ड्रामे जहां अनिरुद्ध और झनक की शादी हो भी जाएगी। अनिरुद्ध झनक को अकेला नहीं छोड़ने का फैसला करेगा। अनिरुद्ध यहां पर झनक को अपने साथ बॉस हाउस लेकर जाएगा जहां पर अर्शी भी खड़ी आपको नजर आएगी। अर्शी यहां पर अनिरुद्ध और झनक को साथ देखकर परेशान हो जाने वाली है, गुस्से से आग बबूला हो जाने वाली है। और अब आप अर्शी का वो रूप देखने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वेल, आप देखेंगे कि ये अर्शी शो की सबसे बड़ी विलन बनेगी। विलनगिरी के मामले में अपनी माँ सृष्टि को भी पीछे छोड़ देगी। सृष्टि से हटकर अर्शी बनेगी शो की सबसे बड़ी विलन। देखना होगा अनिरुद्ध झनक इस दुश्मनी विलनगिरी से कैसे डील करते हैं।